ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ किसानों की बैठक खत्म हो गई है। सीएम के साथ बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया और मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक बेनतीजा रखी है। अब 26 तारीख को जींद में बैठक कर अगली रणनीति किसान बनाएंगे। तो गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग को लेकर किसान हरियाणा भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। शुगर मिल्स को बंद कर शुगर मिल्स के बाहर धरना प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। गन्ने के दाम बढ़ाए जाने की मांग पर किसान अड़े हुए थे। इधर किसानों का प्रदर्शन जारी है और सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि समस्या का हल निकाला जाए। बैठक भी हुई लेकिन बेनतीजा रही। बैठक के बाद क्या कुछ किसानों ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। बातचीत हुई थी, आपने क्या मांगे रखी थी इसके साथ आपकी? हमने इस वर्ष के लिए गन्ने का दाम मांगा। हमने कहा जो महंगाई दर बढ़ रही है 8%, उसके हिसाब से गन्ने का दाम तय करो, लेकिन सरकार कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है और सिर्फ हम सरकारी कविता सुन के आए अंदर। सरकारी कविता सुनाई गई हमें 2 घंटे तक और किसी तरह का सरकार का रवैया इस ओर दिखाई नहीं दिया और किसानों में इस बात की नाराजगी है। रतनलाल जी, आपकी मीटिंग आज मुख्यमंत्री के साथ थी, क्या वहाँ पर मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों मौजूद थे? हाँ, अधिकारी भी थे और एशिया जो कृषि की है सुमित्रा मिश्रा जी और डॉक्टर साहब भी थे एग्रीकल्चर के, और कृषि मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री जी भी थे। तो पक्ष क्या कुछ आपकी तरफ से बातें रखी गई कि अभी कितना दाम बढ़ाया जाना चाहिए? हाँ, हमने ये कहा कि भाई जब हरियाणा नंबर 1 रहता था, आज गन्ने के दाम में हरियाणा नंबर 2 क्यों है? और हमने कहा अभी महंगाई दर किसान के ऊपर भी पड़ी है, उसकी मार जो महंगाई की है वो किसान के ऊपर भी पड़ी है, उसको जोड़ करके जो हर समाज के लोगों को मिल रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बनाई हुई है और कमेटी का जो फैसला आएगा उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन कमेटी का तो टाइम भी जा लिया, ये तो 18 जनवरी तक का था कमेटी का टाइम, कमेटी का भी टाइम जा लिया। कमेटी कार्य करती रहेगी, आना जाना किसान को कुछ है नहीं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आपने जिस तरह से बताया आंदोलन में अमित शाह आ रहे हैं हरियाणा में, आपने उनसे हाँ शिकायत करेंगे उनको, क्या करेंगे आप अपनी रणनीति खुल के बता? हाँ नहीं, खुल के बता दिया, वो देश के गृह मंत्री है और वो वहाँ आएंगे उसमें गोहाना में और 101 किसान पंच उनके पास जाएंगे गन्ना लेकर। हाँ, गन्ना लेकर के जाएंगे। गन्ने की बेकदरी हो रही है हरियाणा में, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो हम तो शिकायत ही कर सकते हैं और वो पंच जाएंगे उन रैली के अंदर जाएंगे। और जी, जिस तरह से मिलों को बंद करवाया जा रहा है, वहाँ पर गन्ने नहीं पहुँच रहे, तो आगे का आप लोगों का रुख क्या रहे? तो वो मिल बंद क्यों करे हमने, इसी बात खतर करे, रोष में कर रखे, मतलब कोई हमने कोई शौक नहीं था कि हम शौक में कोई शुगर मिल बंद कर रहे हैं। हरियाणा का गन्ना उत्पादक किसान रोष में है, उसके खर्चे बड़े हैं, वो खर्चे की अपनी पूर्ति मांग रहे हैं सरकार से, और तो इसीलिए वो मिल बंद कर रहे हैं। तो सरकार जब नहीं मानेगी तो फिर मिल कैसे चलेंगी? कल गुरनाम सिंह चडोनी ने भी एक बैठक बुलाई है, उसमें फैसला लिया जाएगा, क्या उस बैठक में आप शामिल होंगे? हाँ नहीं, वो उन्होंने अपने गुट की बैठक बुलाई है और वो अपनी बात करें। मुद्दा एक ही है बिल्कुल है, गन्ने के रेट का मुद्दा है, उनका भी यही मुद्दा है, हमारे भी यही मुद्दा है, और ये नहीं है कि प्रदेश के हजारों किसानों का ये मुद्दा है। आपके 101 जो पंच है।